अपने अपने हॉस्पिटल से छुट्टियां ली। कल आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दिलनवाज ने अपनी असलियत दिखा दी। मारिया के जिस्म में घुसकर शिवा बेगम को तंग कर रही है, डरा रही है। मुझे 2 दिन हो गए आए हुए और आप हैं कि मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारे जहन मिल जाएंगे। मैंने मारिया को घर से निकाल दिया सर, अब वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे। सिर्फ डराया ही नहीं, थोड़ा सा धमकाया भी है। सारे कौन है? छोड़ो मारिया, मारिया तो अपना सामान पैक कर लो, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आप दोनों ने जहाँ जाना है आप लोग जाइए, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। दुआ करो कि मैं मर जाऊँ दिलनवाज, क्योंकि ये बेड़ियाँ तो तभी उतरेंगी। आपको खुदा का वास्ता, मुझे आजाद कर दे, जंजीरें खोल दे साहब, बहुत परेशान हो गए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये तो मैं नहीं जानती कि मुझे बुला के वो किससे दिल लगा बैठा है। मेरा दिल कह रहा है जो भी कोई है ना, अब आपको उसी से खतरा है। इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई तो दौड़ होगा तुम्हारे खाने जादू का, पर अपने उसका बंदोबस्त। साहिब ने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया। कोई तो है जिसने साहिब के हाथ पर वो धागा बांधा। क्या लगा था दिलनवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे थे? मत भूले के शादी हुई आपकी मुझसे, निकाह हुआ है। जादू कर दिया था तुमने मुझ पे। जब मेरा आपसे निकाह हुआ था तब आप मेरे शहर में नहीं थे। जाने दो मुझे, सब कुछ बर्बाद करके मत जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। तुम्हारे मेरे लिए बेहतर ये कि तुम मुझे भूल जाओ दिलनवाज। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। किस चीज के लिए? शादी को मना करना। दरवाजा दिलनवाज ने बंद किया आपसे। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके अल्लाह से हमारे लिए दुआएं भी मांग रही हो? अच्छा गोरख धंधा शुरू किया है तुमने। ये तुम्हारा सामान है दिलनवाज, इससे आगे किसी और को पहनाऊं ये मेरे लिए है ही नहीं। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, मेरी रूह में आप बसते हैं, ये मैं कैसे किसी और को दे सकती हूँ? उसे कोई नुकसान पहुंचा देगी, मैं जा भी देखती हूँ। नहीं ना, किसी इंसान से लड़ सकते हैं, जिन्नात से हम तो नहीं लड़ सकते ना। वो बात को बस वही बचा सकती है। किरण कहाँ जा रहे हैं? रास्ते से हटा था दिलनवाज। रास्ते में मैं नहीं, वो आ गए। उसने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा, मैं उससे आपके काबिल नहीं छोड़ूंगी। आप नहीं जानते कि आपकी दिलनवाज अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फवाद बाहर बैठा सहन में ऐसे घूर रहा था जैसे वो मनहूस चुड़ैल उसे नजर आ रही हो। तुम्हें फवाद को भूल जाना चाहिए। अब नहीं, अब चाहे वो जो भी कर ले, अब मैं फवाद का साथ नहीं छोड़ूंगी। आप आंखों देखा कानों सुना झुठला नहीं सकते। मैंने अपने बच्चे को उस कर्ब में, उस तकलीफ में देखा। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मेरे और आपके दरमियान वो आई है। तुम आई हो हम लोगों के दरमियान। तुम तुमसे पहले से उससे मोहब्बत करता और करता रहूंगा। जिनजादी हूँ साहिब, इंसान नहीं। अगर किरण को कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही, क्योंकि दिलनवाज आपको तो खो सकती है लेकिन आपकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त कर सकती। अगर वो जिन्नात नहीं फवाद पे आशिक हो गई है तो तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है अम्मी, मैं भी इस कहानी का एक किरदार। क्या आप बता सकते हैं कि फवाद को वो पहली बार कहाँ दिखाई दी? मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे निस्तो नाबूद कर देना चाहते हो और इसके लिए उन्होंने एक आमिल से मदद ली। मैं तुम्हारे लिए वो वजीफा पढ़ी। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? दिलनवाज। दिलनवाज खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, मेरी जान बच दो। फवाद, फवाद ही मुझे मार जाने की, प्लीज मुझे बचा ले। शासक नहीं फवाद, ये किरण नहीं है, ये वो ही है। तुमसे सच्ची मोहब्बत करी तो खुदा का वास्ता, फिर छोड़ दो। आपकी मोहब्बत के लिए दिलनवाज का दिल धड़कना छोड़ दे शायद, बस एक बार सच्ची मोहब्बत। शाह साहब से कहो ना कि वो क्या अमल करना चाह रहे थे, गिलवाना। क्या चाहिए साहब? आपकी ख्वाहिश पूरी करने में दिलनवाज को एक लम्हा भी नहीं लगेगा। तुम किरण के करीब ही नहीं जाओगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। यहाँ ये बात करने के लिए आए हो साहब? क्या फायदा इस मोहब्बत का जिसमें मेरी मर्जी मेरा दिल ही शामिल? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझे दिल से अपना ले। तुमने किरण के जरिए उसकी माँ से झूठ बोला, तुम सिर्फ एक झूठ हो और कुछ भी नहीं। दिलनवाज और कुछ भी नहीं। साहब के घर के इर्द गिर्द हिसाब बन गया है, लेकिन उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें उसके घर में जाना ही पड़ेगा। अरे मारिया, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं एक न एक दिन आपके दिल और आपके घर में जगह जरूर बनाऊंगी। आपके दिलनवाज आपके हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार। अगर बात मेरी होती ना तो मैं दिलनवाज से लड़ जाती, मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो बात तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन बेटा तुम अब तुम्हारे घर आई हो, मैं तो कल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। मारिया जल्दी आओ।
आप उसे नहीं जानते। अभी अपने हाथ से कभी मत उतारना, जब तक कि आपके हाथ में रहेगा समझना दिलनवाज आपके साथ है। फवाद, बाप को मेरे सिवा कोई नहीं देख सकेगा साहिब। उसने जरूर आप लोग की आंख में पर्दा डाल दिया। फवाद उसी घर में मौजूद होगा। प्लीज मेरी मदद करें ना जहारा जी, फवाद को उस चुड़ैल के चुंगल से आजाद करवा दें प्लीज। ये काम मैं नहीं, आप कर सकती। कौन हो तुम? तो? फवाद मैं किरण हूँ। याद करने की कोशिश तो करो प्लीज फवाद। तुम्हारा वजीफा पूरा। अगर ये खुद गर्जी है तो खुद गर्जी ही सही, लेकिन अब फवाद अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दिलनवाज के साथ गुजारेगा। कैसी दास्ता है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजे से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली।